वी हैव बिन ज्वाइंड बाई मिस्टर के सी त्यागी सर इफ यू टॉक अबाउट द लेटर विच हैज बिन रिटन जो लेटर लिखा गया है निशिकांत दुबे जी द्वारा सबसे पहले उस पर आप क्या कहते हैं महुआ मित्रा पे काफ़ी सीरियस एलिगेशन जो है उस लेटर में लगाए गए देखिए महुआ मित्रा जी इस संसद की मुखर सांसदों में से एक है दूसरे सांसद महोदय ने उन पर कुछ आरोप लगाए अब महुआ मित्रा जी ने भी पलट करके वार किया है लोकसभा के हमारे माननीय स्पीकर ओम बिरला जी ने एक कमेटी बनाई है जिसको हम इथिक्स कमेटी बोलते हैं जो सांसदों के आचरण व्यवहार को लेकर के अपनी राय रखती है राय बनाती है सारा मामला इथिक्स कमेटी के सामने है और उससे पूर्व उसके निर्णयों पर टिप्पणी करना ये उसकी मर्यादा के खिलाफ है लिहाजा में जो माननीय सदस्य हैं इसके इथिक्स कमेटी के उनके विवेक पर और अध्यक्ष जी बनाई गई कमेटी के विवेक पर छोड़ता हूँ कि वो क्या फैसला करते हैं बिल्कुल सर जैसा कि आपने कहा कि एथिक्स की अभी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई कोई डिस्कशन नहीं हुआ 26 तारीख को ये बैठक बुलाई गई है सर उससे पहले इसी पर्टिकुलर केस के अंदर जो बिजनेसमैन हीरा नंदानी हैं उनकी तरफ से भी एक लेटर जो है वो एथिक कमेटी को लिखा जाता है अप्रूवर टन हुए हैं वो एलेज लेटर है जिसमें ये कहा जा रहा है सर कि हम मुझसे फेवर लिए गए थे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया गया था अगर इस तरीके की, की कोई बात निकल के आती है जांच में तो आपको लगता है टीएमसी की और जो एमपी पी हैं उनकी जो है मुसीबतें बढ़ सकती हैं और अगर नहीं निकल के आती हैं तो किसकी मुसीबतें बढ़ेंगी ये भी कमेटी के सामने रखा गया है इसको किसने लीक किया क्यों किया लीक करने वाले के क्या फ़ायदे थे उसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट होंगे और जो चिट्ठी इथिक्स कमेटी को चेयरमैन को लिखी जाती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या हाउस की प्रॉपर्टी है उसको जिसने लीक किया है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए सर एक आखिरी सवाल है आप खुद एथिक्स कमेटी के मेंबर रहे हैं तो आप जानते हैं चीज़ों को और कमेटी को भी और पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। तो के सर अगर इस तरीके की गतिविधि कोई पाई जाती है तो उस पर क्या कुछ एक्शन उम्मीद करी जा सकती है या किस तरीके से एथिक्स कमेटी नहीं इथिक्स कमेटी ही फैसला लेती है अतीत में दो में पैसे लेकर के सवाल पूछने के आरोप में ग्यारह सांसदों की सदस्यता जा चुकी है इसलिए इथिक्स कमेटी का हर फैसला मुझे कबूल है लेकिन इसमें कोई स्कैम नहीं होना चाहिए इसमें कोई कॉन्स्परेसी नहीं होनी चाहिए इसमें कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए ऐसे फैसले की हम आशा और अपेक्षा रखते मैत्र टारगेटेड बिकॉज शीर रेज क्वेश्चन अबाउट अदानी देंटर्स ऑफ नरेंद्र मोदी Narendra Modi is working as his agent, and he was trying to give everything Indian public sector to him, to privatize him, and making him richest person in the country. Because of that, he is doing lot of corruption, and his corruption he is bringing coal from abroad, and here he is using that in electricity, and increasing the price, and electricity bill is inflated because of that. He is making profit like anything with the help of Narendra Modi. And Narendra Modi is working as his agent. So because of that, this is being raised. And Mahua raised his case. Because of that he's been targeted. Businessmen grow with looting the people. So it is their rubbish statement. I condemn such a rubbish statement, but MP has a right to raise question in parliament. To raise question mistakes of the government to raise question corruption of the government, to raise question of the corruption in the economy and raise question um, un illegal help given to the corporate houses to loot the people. So because of that... But that raising people, that questions in exchange for luxury gifts from the businessman and drafted that that. by some... But, do, but those questions were not of Mahua Moitra herself. Those questions were drafted by some other businessman. No, I do not have any idea. I cannot comment. Uh, out of blue but parliament member has right to raise questions in earlier occasions also the question came that uh, some member raised question by taking money it is illegal, it is unparliamentary if it is correct parliament inquire it will be proved but the look is because the biggest looter of this country is being raised by her in the parliament but don't you think uh, that if she has shared her credential, if the cash for curry allegation becomes true, then she should be suspended from but the I parliament. parliament? I am not a parliament here. Parliament has their rules according to which they will behave. But other things, that uh, all the false degree of the uh, 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 person, of the MP, eh, parliament is not asking him. Because um, he is BJP man. ज द इमेज ऑफ दार्लियामेंट इफ इज पर्सियलिटी इज दे मैं इसको मानता हूं कि हमारे समकालीन राजनीति में एक ऐसा मसला है जिसमें कई पढ़ते हैं यही हीरानंदनी साहब तीन दिन पूर्व कह रहे थे कि उन पर लगाया आरोप तब कौन आरोप लगा रहा था बीजेपी के जिन सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर लगे ये आरोप निराधार है वो निराधार से 48 घंटे के बाद आधार पाते हैं वो आधार पाते हैं या उन्हें आधार दिया जाता है या उनसे आधार लिया जाता है ये सारी चीजें भी आएंगे और मुझे सबसे आश्चर्य लग रहा है कि जो चीजें एथिक्स कमेटी के संदर्भ में वो मीडिया के समक्ष कैसे आ रही है जाहिर तो तौर पर कि पूरे नियोजित तरीके से हो रहा है और आखिरी टिप्पणी तो मैं जरूर करूंगा कि यह समझ बाकी कमेटी तय करे लेकिन ये तय हो गया कि इस देश के जिस नामचीन उद्योगपति की चर्चा उनकी पैट बहुत हर जगह वो अपने पैठ का कब कैसे किस पर इस्तेमाल कर लें मैं इसलिए कह रहा हूं ना एथिक्स कमेटी को काम करने दीजिए लेकिन मैंने कहा कि इस उद्योगपति जिसको जिसको वरधस्त हासिल है सत्ता शीर्ष का हम देख रहे हैं ना कोई सवाल उठाता है छोड़िए पार्लियामेंट की मीडिया में सवाल उठता है तो ब्लैकआउट हो जाता है दिखता नहीं है मतलब मैंने आजाद हिंदुस्तान में किसी भी उद्योगपति का ऐसा वर्चस्व नहीं देखा था क्या होता है ना कि लोकतंत्र में जब सत्ता शीर्ष ऑलमोस्ट साष्टांग कर बैठे उस उद्योगपति के समक्ष तो लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर होती हैं यही पार्लियामेंट था फिरोज गांधी ने सवाल उठाया था एक उद्योगपति के बारे में नेहरू जी की सरकार थी चूल्हे हिल गई थी लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि उद्योगपति फिरोज गांधी को डिमिन करवा ले डिनाइग्रेट करवा लें